नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति और आज हम आए हैं रुक्मणी टैफे पर, जो कि मैं आपको जानकारी दूंगी ट्रैक्टर के बारे में, 245 DI ट्रैक्टर के बारे में और 241 DI ट्रैक्टर के बारे में। अगर हम 245 DI की बात करते हैं तो ये आपको 46 BHP का पावर जनरेट करता है, और अगर हम 241 की बात करते हैं तो ये आपको 42 HP तक का पावर जनरेट करता है, जो कि काफ़ी अपने आप में सक्षम है। फ्रंट लुक आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है। ये साइड में 245 DI की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे, जैसे कि 46 रेंज का ग्राफिक्स मिला, बैटरी प्लस का ग्राफिक्स मिल रहा है। साथ ही में दोनों ट्रैक्टर आपको यहाँ पर 3 सिलेंडर मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा पावर जनरेट करते हैं 46 और 42 BHP तक का। देखिए, अब हम ट्रैक्टर पर चढ़ने और उतरने की बात करते हैं तो काफ़ी कम्फर्टेबल है इस पर चढ़ना भी और उतरना भी। ये देखिए मैं कितनी आसानी से चढ़कर इस पर बैठ गई हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, जो कि पावर स्टेयरिंग है और काफ़ी कन्वीनियंस रहेगा ड्राइवर को चलाने में, इनफैक्ट पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है इस स्टेयरिंग की। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको लो हाई का ऑप्शन मिल रहा है, वॉल्ट शो करेगा, RPM शो करेगा, स्पीड शो करेगा। साथ ही अगर हम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन कितना कूल है, कितना हॉट है, और फ्यूल का ऑप्शन शो करेगा कि आपकी ट्रैक्टर में कितना फ्यूल है और कितना भरवाने की ज़रूरत है डीजल। तो ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में शो होगी। यहाँ पर आपको हैंड रेस दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में आपको गियर नॉब्स दे रखे हैं, जिससे आप गियर वगैरह चेंज कर सकते हैं आसानी से। साथ ही देखेंगे इसका प्लेटफॉर्म कितना शानदार है, कितना स्पीशियस है ट्रैक्टर। आप देखेंगे दो दो आपको बैठने के लिए डाले दे रखे हैं, जिस पर दो लोग आसानी से आराम से बैठ सकते हैं, एक इस साइड भी बैठ सकता है और एक इस साइड भी बैठ सकता है। यहाँ पर आपको एक मिरर मिलेगा, जिससे आप पीछे का आसानी से देख सकते हैं ट्रैक्टर चलाते वक्त। ये आपको यहाँ पर फिल्टर दे रखा है, और देखेंगे काफ़ी सारा मतलब यहाँ पर सिस्टम अच्छा दे रखा है किसान के हिसाब से, ट्रैक्टर चलाने के हिसाब से बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो ये आपने देखा ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म। इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको भीगे हुए ब्रेक मिलेंगे, जो कि काफ़ी इफ़िशेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रेक की वजह से। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाएगा, साथ ही में यह 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बताया मैंने आपको कि 46 BHP का पावर जनरेट करता है। हम बात कर लेते हैं अगर इसके टायर्स की, तो टायर्स यहाँ पर आपको 6/16 के मिलेंगे टायर्स फ्रंट में, जो कि रहेंगे आगे की साइड के। और अगर पीछे के टायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 13/6/28 के टायर मिलेंगे, जो कि क्या करता है आप देखेंगे कि इसकी ग्रिपिंग कितनी काफ़ी शानदार है, तो एक ग्रिप काफ़ी अच्छे से कवर करके चलेगा, जो कि गाड़ी चलाने में काफ़ी आपको ट्रैक्टर आसानी होगी। फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही शानदार बोल्ड फ्रंट लुक है, देखेंगे आप कितना शानदार। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है फ्रंट लुक, दो दो हेडलैम्प दे रखे, जो कि ड्राइवर की विजिबिलिटी को काफ़ी क्लियर करता है रात के समय में। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बम्पर दे रखा है और बीच में आपको नंबर प्लेट सिस्टम का ऑप्शन दिया रखा है। साथ ही हम बात करते हैं दूसरे ट्रैक्टर की, जो कि मैंने बताया 241 DI ट्रैक्टर है। यह आपको 42 BHP का पावर जनरेट करता है। इसका भी आप फ्रंट लुक देखेंगे बहुत ही शानदार दे रखा है, सिल्वर भी ब्लैक कलर से दे रखा है इसका सिल्वर लुक, और फ्रंट में आपको दो दो हेडलैम्प दे रखे हैं, जो कि विजिबिलिटी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही फ्रंट में इसमें भी ब्लैक बम्पर, सेंटर में नंबर प्लेट का ऑप्शन, ये सारी तमाम सारी चीज़ें दे रखी है। फिल्टर दे रखा है यहाँ पर। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दयाना ट्रैक की बेजिंग दे रखी है ब्लैक और सिल्वर फिनिश में, जो कि काफ़ी इनहांस कर रही है लुक को ट्रैक्टर के, काफ़ी रेड कलर का शानदार ट्रैक्टर दिख रहा है। साइड से अगर हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर आप एक ORVM इस ट्रैक्टर में भी मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में भी आपको ऑयल में भीगे हुए ब्रेक मिलेंगे, जो कि काफ़ी इफ़िशेंट होते हैं। और अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। ये आपको एक हेड ऑप्शन दे रखा है लाइट का, जैसे रात वगैरह में आप काफ़ी लाइट का यूज़फुल रहता है, जैसे किसान भाइयों को कुछ भी देखने में तो काफ़ी आसान रहेगा, एक अच्छा फीचर है ये। ये टेल लैंप्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सेंटर में देखेंगे रिफ्लेक्टर दे रखा है, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा दे रखा है। टूल किट यहाँ पर आपको दे रखी है सेंटर में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर दे रखा है, जिससे आप एक बड़ी सी बॉटल आसानी से वहाँ पर कैरी कर सकते हैं, पानी की बॉटल रख सकते हैं। और इसके टायर्स भी देखेंगे तो ग्रिपिंग में काफ़ी शानदार है इसके टायर्स। देखिए इसके टायर्स की ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो कि ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ट्रैक्टर की भी बात करते हैं 245 DI की, तो इसमें भी देखेंगे सेंटर में सेम रिफ्लेक्टर दे दिया है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दे दिया है, जिससे आप बॉटल वगैरह आसानी से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लिफ्ट आर्म दे रखा है, जिसमें आपको 1800 kg तक की कैपेसिटी मिल जाती है।
और इसमें भी देखेंगे आपको रियर टेल लैम्प्स का ऑप्शन है। इसके टायर्स की भी ग्रिपिंग काफ़ी शानदार है। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमारे ये दोनों ट्रैक्टर 245 DI और 241 DI, जो कि काफ़ी अच्छा पावर भी जनरेट करते हैं, फीचर्स भी बहुत शानदार है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। दोनों ट्रैक्टर लगभग आपको 7.5 से 8 लाख रुपये के बीच तक में पड़ जाएंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं 7.5 से 8 लाख रुपए के बीच तक के ट्रैक्टर, तो आइए आप रुकमणी टैफे पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर ये ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं तो आज ही आइए इंदौर विजयनगर रुकमणी टैफे पर, अपना पसंदीदा ट्रैक्टर खरीदिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।